सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर और एक कारण शरीर क्या है, ये कारण शरीर ये है तीसरा। कहाँ से आए? बुलंदशहर से। बुलंद है? बुलंदशहर के व्यक्ति बड़े चतुर होते हैं, साल में एक दो बार मेरे पास आ जाते हैं और सबसे पहली यात्रा संन्यास के बाद मैंने बुलंदशहर की ही की थी, या मुजफ्फरनगर की या फिर बुलंदशहर। इसका अर्थ है कि 76 से मैं बुलंदशहर जाता था। ये सब इतने चतुर हैं, इनके नायक के चश्मा वाले हैं, 12 से वक्त समाज के होंगे ये लोग। इतने चतुर हैं, मीठे बोलते हैं लेकिन अंतर से ध्यान रखते हैं कि ये न बुलंदशहर आ जाए। हमारी संस्था जो चौपट हो, बहुत चतुर होते बुलंदशहर वाले, बहुत चतुर होते। आप कारण शरीर की बात पूछ रहे हैं। सुसुप्ति में गाढ़ी नींद में जो शरीर बच जाता है, जिसका भान होता है, शेष दो शरीरों का भान नहीं होता सूक्ष्म स्थूल का, उसी का नाम कारण शरीर है। पंचदशी में मलिन सत्वगुण प्रधान कारण शरीर को माना गया है। जीव के साथ जो कारण शरीर है, मलिन सत्वगुण प्रधान, कारण का अर्थ होता है स्थूल और सूक्ष्म दोनों शरीर जो जीव को प्राप्त हुए हैं, उनके मूल में जो हेतु है उसी का नाम कारण। शरीर का अर्थ है कि वो भी आत्मा नहीं, जैसे आप मान लीजिए गर्मी, जहाँ सूर्य का प्रकाश आता है, जब गर्मी का समय होता है, ये नाभि से लेकर यहाँ तक की चर्चा कर रहा हूँ, इसका प्रश्न हो रहा है बार। तो हमने संकेत किया, आप जो है बनियान भी नहीं पहने, गंजी जिसको कहते, कुछ सर्दी लगने लग गई, कमरे की ओर आए, एक बनियान डाल लिया, गंजी जिसको कहते हैं, कुछ और सर्दी लगने लगी या बंधन के कहीं यात्रा करनी है, उसके बाद ऊपर कमीज पहने, और कहीं यात्रा करनी है बंधन के या सर्दी और बढ़ गई तो ओवरकोट या स्वेटर पहन लिए, बस फिर हो गई या नहीं। लेकिन आपका जो ये शरीर है काय, न तो गंजी है, न कमीज है, न कोट या ओवरकोट या स्वेटर है, ठीक है। अब चलिए, कोट ओवरकोट या स्वेटर के समान स्थूल शरीर है, कमीज या कुर्ता के समान सूक्ष्म शरीर है, और बनियान के समान कारण शरीर है। और बोलते हैं उड़िया में छन बोलते हैं, आप लोग यहाँ पुआल बोलते होंगे, हम लोग भी पुआल बोलते हैं लेकिन उड़िया में छन बोलते, धान जानते हैं ना, एक पुआल का हिस्सा होता है, भीतर बना लीजिए, गाय को खबा दीजिए, अनेकों उपयोग हो सकते हैं। लेकिन फिर क्या होता है, एक बाली जिसमें धान लगता है पुष्प के बाद, एक वो चीज है, और एक फिर क्या है, उससे भी परिपुष्ट धान जिसको बीज का रूप ले सकते हैं वो निकाल लीजिए। अब क्या करें, चावल भी है ऊपर छिलका भी है, दोनों के योग से धान या बीज संज्ञा है या नहीं। छिलका हटा दीजिए तब चावल रह जाएगा, उस चावल को बोइए उससे कोई पौध उत्पन्न हो सकता है। चावल के समान आत्मा है, निसर्ग सिद्ध जो उसमें छिलके लगे हैं उसी के समान, जिसको संस्कार युक्त चावल कहते हैं, जिससे जिसको जिसकी बीज संज्ञा है। बीज कब तक है, चावल और छिलके का निसर्ग सिद्ध संस्पर्श या संयोग जब तक है, वो कारण शरीर है, जिसमें वो धान लगते हैं 10-20 फूल आदि, वो सूक्ष्म शरीर है। डंठल जो है छन वाल वो स्थूल शरीर के समान है। हमारे स्थूल शरीर में के बाहरी हिस्से में 5 कर्मेंद्रियों को, 5 ज्ञानेन्द्रियों को, अंदर के हिस्से में प्राणों को, अंतःकरण को व्यक्त करने के संस्थान है।
सूक्ष्म शरीर के माध्यम से जिनकी अभिव्यक्ति होती है उनका नाम है, स्थूल शरीर के माध्यम से जिनकी अभिव्यक्ति होती है उनका नाम है सूक्ष्म शरीर। सूक्ष्म शरीर के माध्यम से जिसकी अभिव्यक्ति होती है उसका नाम है कारण शरीर। कारण शरीर के माध्यम से जिसकी अभिव्यक्ति होती है उसका नाम है जीव। जीव के माध्यम से जिसकी अभिव्यक्ति होती है उसका नाम है जगदीश्वर परमात्मा ब्रह्म। लेकिन बहुत स्थूल भाषा में कहें, व्यवहारिक भाषा में कहें, अहम अज्ञा जब कहते हैं, अहम अज्ञा अज्ञान और अहम को मिलाकर बोलते हैं, तो अहम अज्ञा में जो अज्ञान है उसी का नाम कारण है। अविद्या काम कर्म में अविद्या का नाम है कारण शरीर। काम कर्म जिसमें रहते हैं उनका नाम है सूक्ष्म शरीर। सूक्ष्म शरीर काम और कर्म के संस्कार, काम और कर्म के सहित सूक्ष्म शरीर का जिसमें लय होता है उसका नाम है कारण शरीर। और कोई आनंदमय कोष जिसको कहते हैं वो कारण शरीर है। विज्ञानमय मनोमय प्राणमय कोष जिसको कहते हैं वो सूक्ष्म शरीर है। अन्नमय कोष जिसको कहते हैं वो स्थूल शरीर। और गुरु जी के चरणों में